तो गाइस आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप प्राइम ओएस को अपने पीसी में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो विदाउट यूएसबी। हाँ गाइस, हम प्राइम ओएस को इंस्टॉल करेंगे हमारे लैपटॉप में और हम यहाँ पर कोई भी यूएसबी ड्राइव का यूज़ नहीं करने वाले हैं, कोई भी हम पेन ड्राइव का यूज़ नहीं करेंगे। विदाउट यूएसबी हम प्राइम ओएस को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो गाइस मैं डायरेक्टली अपने पीसी पर जाता हूँ और गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको दो फाइल्स डाउनलोड करना पड़ेगी। एक तो गाइस आईएसओ फाइल है, यानी जो प्राइम ओएस है, एक तो वो है, और दूसरी गाइस एक आपको एग्जीक्यूटिवल फाइल यानी ईएक्सई फाइल डाउनलोड करना पड़ेगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आप प्राइम ओएस को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस इसके लिए आपको ब्राउजर को ओपन कर लेना है और ब्राउजर में आपको यहाँ पर सर्च करना है प्राइम ओएस डाउनलोड। फर्स्ट प्राइम ओएस की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, ये आपको यहाँ पर ओपन कर लेनी है। अब गाइस यहाँ पर आपको दो वर्जन दिखाई देंगे, एक होगा एंड्रॉइड 11 वाला वर्जन और एक होगा नॉर्मल वर्जन। अब गाइस जो नॉर्मल वर्जन है वो आपको मैं इंस्टॉल करने के लिए रिकमेंडेड करूंगा, क्योंकि नॉर्मल वर्जन में आपको थोड़े बग कम देखने को मिलेंगे और एंड्रॉइड 11 वाला जो है उसमें बीटा वर्जन में है, तो गाइस में आपको बग्स काफी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम आईएसओ डाउनलोड करेंगे, तो आईएसओ में यहाँ पर आपको तीन फाइल दिखेगी, एक मेन लाइन है, स्टैंडर्ड है और क्लासिक है। मेन लाइन अच्छे पीसी के लिए, स्टैंडर्ड मीडियम पीसी के लिए और क्लासिक लो एंड पीसी के लिए। तो मेरा जो पीसी है वो एक लो एंड पीसी है, तो यहाँ पर मैं क्लासिक यूज़ कर रहा हूँ। इस पर आप क्लिक कर दोगे तो गाइस यहाँ पर आप source4g.net वाली वेबसाइट पर आ जाओगे और यहाँ से आपको 5 सेकंड वेट करना पड़ेगा और आपकी जो आईएसओ फाइल है वो यहाँ पर डाउनलोड होना यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना, मैंने पहले से कर रखी है इसलिए गाइस यहाँ पर मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ। अब गाइस आपको एक एग्जीक्यूटिवल फाइल डाउनलोड करना पड़ेगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही गाइस विदाउट यूएसबी आपके पीसी में प्राइम ओएस को इंस्टॉल करेगी। तो गाइस इसकी ड्राइव की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। 62 MB इसकी साइज है, तो गाइस इसको आप डाउनलोड करना पड़ेगा और गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको चाहिए रहेगी। अब गाइस हम चलते हैं अपने इंस्टॉलेशन पार्ट पे कि भाई प्राइम ओएस को अब इंस्टॉल कैसे करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर सारी डाउनलोड करने वाली चीज़ डाउनलोड कर ली है। अब गाइस यहाँ पर मैं माई कंप्यूटर अपना ओपन कर लूँगा, तो यहाँ पर मैंने पहले से ही अपनी एक डिस्क को फ्री कर रखा है, तो आप भी अपने डिस्क को बिल्कुल फ्री कर सकते हो, या फिर गाइस आप सी में भी इंस्टॉल कर सकते हो, पर सी में फिर आपकी विंडोज़ भी हो जाएगी, फिर आपका प्राइम ओएस भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अलग से एक डिस्क बना ली है 48 GB की, तो आप भी ऐसी बना सकते हो और उसके अंदर प्राइम ओएस को इंस्टॉल कर सकते हो। अब गाइस आपको यह करना है, जो ईएक्सई फाइल मैंने आपको ड्राइव की लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ओपन कर लेना और गाइस यहाँ पर इनिशियलाइजिंग लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये आपसे पूछेगा कि गाइस आपको आईएसओ फाइल पहले सिलेक्ट करना पड़ेगी, तो हम यस पे क्लिक करेंगे और जो हमारा प्राइम ओएस है जो कि हमने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो गाइस आप भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद गाइस आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको वर्जन जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आप प्राइम ओएस लिख सकते हो या फिर अपना नाम लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है। तो यहाँ पर मैं वर्जन है, यहाँ पर मैं प्राइम ओएस टाइप कर दूंगा। उसके बाद गाइस आपको क्लिक करना है यहाँ पर अदर एफएस पे, यानी अदर फाइल सिस्टम पर, और गाइस यहाँ पर आप इसे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ पर 8 GB आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर फ्री डिस्क सिलेक्ट करनी है, तो मेरी जो न्यू वॉल्यूम डी है जो कि मैंने फ्री एक बना रखा है 48 GB का, वो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपको करना है, आप सी भी कर सकते हो या फिर जो भी आपकी फ्री डिस्क है वो आप यहाँ पर कर लेना। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है और गाइस यहाँ पर ये सबसे पहले ग्रब टू भी इंस्टॉल करेगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपका जो ड्राइव है जिस जो आपने चूज़ करी है उसमें सारी इंस्टॉलेशन फाइल लाएगा, तो सारी चीज़ आपके अपने आप ये इंस्टॉल कर देगा, तो आपको थोड़ा यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। अब गाइस ये पूरा होने में गाइस 5 से 7 मिनट लग सकते हैं, मुझे तो 5 से 7 मिनट लगे थे। अगर आपका पीसी फास्ट होगा तो जल्दी भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा पीसी है। अब गाइस यहाँ पर ये सब कुछ इंस्टॉल करेगा फाइल, और यहाँ पर इंटरनेट से आप कनेक्टेड रखना गाइस, क्योंकि कुछ कुछ फाइल ये डाउनलोड करता है नेट से, तो आपको इंटरनेट से यहाँ पर कनेक्ट रखना है। अब गाइस यहाँ पर एंड स्क्रीन आ चुकी है। अब गाइस यहाँ पर आपको ये फिनिश करने का बोल रहा है या फिर गाइस आपको रिबूट करने का बोल रहा है, तो गाइस आपको यहाँ पर फिनिश पर क्लिक करना है, रिबूट नाउ पे मत करना। अगर रिबूट कर दोगे तो गाइस इंस्टॉलेशन नहीं होगा, तो आपको यहाँ पर फिनिश पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस फिनिश पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे तो डेस्कटॉप पर एक ऐप आपका इंस्टॉल हो जाएगा या फिर एक आइकन आ जाएगा, जिसका नाम है गाइस ग्रब टू विन। और गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान से सेटिंग को देखना पड़ेगा गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, तो ये गाइस ध्यान से देखना। तो गाइस यहाँ से इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद गाइस आपके सामने कुछ जैसे ग्रीन स्क्रीन आएगी, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद गाइस ये सॉफ्टवेयर पूरा ओपन हो जाएगा। सबसे पहले गाइस आपको जाना है नीचे येलो आइकन पे जो कि दिख रहा होगा आपको, मैनेज बूट मेनू, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आपको यहां देखोगे तो थर्ड नंबर पे आपको दिखेगा प्राइम ओएस, जो कि आप देख ही पा रहे होंगे एंड्रॉइड x86। तो गाइस आपको एरो की मदद से इसको सबसे टॉप पर लाना है, तो यहाँ पर एरो पे आप क्लिक करोगे ना तो ये टॉप पर आ जाएगा, यानी इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो हमको सबसे ऊपर इसको लाना है। तो गाइस एरो पे एक बार दो बार आपको क्लिक करना है और गाइस ये टॉप पर आ जाएगा। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर आपका काम खत्म हो चुका है, आपको कहीं भी और क्लिक नहीं करना है, आपको अप्लाई
कर देना है। नीचे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको अप्लाई बटन दिख जाएगा, उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको ओके कर देना है और गाइस आपका काम यहाँ पर ख़त्म आराम से हो गया। आपने यहाँ पर सारी सेटिंग्स कर ली है। अब गाइस आपको ये करना है, अपने पीसी को रिस्टार्ट करना है। अपने आप पीसी को आप रिस्टार्ट करोगे ना तो गाइस मैं अपने अब कैमरे में आ जाता हूँ, क्योंकि गाइस स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो हो नहीं पाएगी अब, तो मैं अपने कैमरे पर आ चुका हूँ। अब गाइस यहाँ पर आप देखोगे तो आप इसको रिस्टार्ट करोगे तो रिस्टार्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, एक तो आपकी विंडोज आएगी और एक आप यहाँ पर लिखा हुआ आएगा ग्रब टू विन। तो यहाँ पर आप ग्रब टू विन पर क्लिक कर लेना। उसके बाद गाइस आप देखोगे तो यहाँ पर आपके सामने अब तीन ऑप्शन आएंगे, एक एंड्रॉइड प्राइम ओएस आएगा और बाकी दो अलग ऑप्शन आएंगे, तो आपको एंड्रॉइड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद गाइस आप देखोगे तो यहाँ पर तीन और ऑप्शन आएंगे, पर आपको यहाँ पर कुछ भी किस पे क्लिक नहीं करना है, बस आपको वेट करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर इंस्टॉलेशन स्क्रीन यहाँ पर शुरू हो जाएगी, आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आप गाइस अगर आपका पीसी रीस्टार्ट होता है तो जो आपने प्रोसेसर अभी फॉलो करा है वापस यहाँ पर आप ग्रब टू विन को चूज कर लेना। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप वापस बूट फ्रॉम x86 क्लिक कर लेना, फिर यहाँ पर आप कोई भी आपको चूज नहीं करना है। तो गाइस यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन यहाँ पर होने लग जाएगा, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। गाइस यहाँ पर टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि गाइस बहुत जल्दी हो जाएगा, मैंने यहाँ पर तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करा है, पर गाइस यहाँ पर टाइम लगेगा। अगर आपके लैपटॉप में SSD है तो गाइस जल्दी हो जाएगा, पर अगर आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क है तो देर लगेगी। अब गाइस यहाँ पर आप देखोगे प्राइम ओएस का आइकन मेरे सामने आ चुका है। अब गाइस यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और गाइस आप देखो कि प्राइम ओएस यहाँ पर पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। अब गाइस सबसे पहले वेलकम स्क्रीन आएगी, तो यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी आपको सेट करना है वो आप कर सकते हो, आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करना पड़ेगी, तो ये तो आप खुद करते रहना गाइस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब गाइस इससे ये होता है कि आपने विदाउट USB प्राइम ओएस को तो अपने पीसी में इंस्टॉल कर लिया और गाइस कहीं ना कहीं ड्यूल बूट भी कर लिया, क्योंकि गाइस यहाँ पर हमने ग्रब टू विन का यूज़ करा है, जिससे कि जब भी आप अपने पीसी को रिस्टार्ट करोगे ये आपसे दो ऑप्शन पूछेगा कि विंडोज स्टार्ट करनी है या फिर आपको प्राइम ओएस स्टार्ट करना है। तो होपफुली गाइस आपको यह वीडियो पसंद आएगी और गाइस ऐसे आप प्राइम ओएस को विदाउट USB अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। जो भी लिंक मैंने आपको बोली है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो वहां से आप EXE फाइल डाउनलोड कर लेना, क्योंकि बहुत काफी इंपॉर्टेंट फाइल है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, जब तक जय हिंद जय भारत।